हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे होम एंड लोन लिंकर्स चैनल पर। होम एंड लोन लिंकर्स लेकर आया आपके लिए एक कम बजट में टू साइड ओपन इंडिपेंडेंट 3 BHK का फ्लैट, जो कि 95 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। ये फ्लैट हमारा फुली वेंटिलेशन वाला रहने वाला है, जहां पर आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहेगा। लिफ्ट और कार पार्किंग की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये एक रजिस्ट्री प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जहां पर हम आपको LIC हाउसिंग से भी लोन करवा कर देंगे। अगर आपको किसी और प्रॉपर्टी के लिए होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन लोन या पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम आपके उसमें भी सहायता करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा होम एंड लोन लिंकर्स का प्लेटफॉर्म है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। हम आपको होम और लोन दोनों ही प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए इस फ्लैट का क्विक हाईलाइट और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये आ जाता है हमारा फ्रंट का एलिवेशन, जो कि वाइट और ग्रे कलर के कलर कॉम्बिनेशन से हम आपको बना कर दे रहे हैं। सामने की तरफ आपको आयरन का गेट मिल जाता है। ये आ जाती है हमारी फ्रंट रोड, जो कि 25 फीट वाइड रोड है। यहाँ पर आपको IGL के कनेक्शन की फैसिलिटीज मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं सीधा पार्किंग में। ये आ जाती है हमारी फुल स्पेस की पार्किंग। यहाँ पर आप इजीली 5 गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। पार्किंग में अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, जो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फ्लोरिंग में आपको मार्बल का वर्क मिल जाता है। फॉल्स सीलिंग हम काफी ही ब्यूटीफुल डिजाइन में हम आपको बनाकर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रोफाइल लाइट, मूड लाइट और कोप लाइट का वर्क मिल जाता है। ये पार्किंग हमारी बोथ साइड ओपन रहने वाली है। पीछे की तरफ भी आपको गेट मिल जाता है, जो कि 12 फीट गली है, और फ्रंट में आपको भी आयरन का गेट मिल जाता है, जो हमारी 25 फीट रोड रहने वाली है। वॉल पर हम आपको 4 फीट तक की टाइल का वर्क करके दे रहे हैं, ताकि आपकी पार्किंग हमेशा साफ सुथरी बनी रहे। सामने की तरफ आ जाता है हमारा मोटर का सेक्शन। यहाँ पर आप अपनी मोटर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर कनेक्शन करके दे रहे हैं। ये आ जाता है लिफ्ट का एरिया। लिफ्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो बहुत ही जल्दी हम इसका काम कंप्लीट करवा देंगे। सामने की तरफ आ जाता है स्टेयर्स का एरिया। स्टेयर्स के स्टेप काफी छोटे और वाइड बनाए गए हैं, ताकि आपको चढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहीं से चलते हैं सीधा फ्लैट के अंदर। ये आ जाता है हमारा इंडिपेंडेंट 2 साइड ओपन 3 BHK का फ्लैट। जैसे हम एंट्री करते हैं, हमें मिलता है स्पेशियस सा लिविंग हॉल। ये काफी ही स्पेशियस रहने वाला है। फ्लोरी में आपको एंटी स्क्रैच प्रूफ टाइल का वर्क मिल जाता है। ये लिविंग हॉल हमारा लिविंग कम डाइनिंग स्पेस के साथ आने वाला है, जहां पर आप अपना 4 सीटर टू 6 सीटर तक का डाइनिंग टेबल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉलपेपर काफी ही ब्यूटीफुल डिजाइन का बनाकर दे रहे हैं, और बीच में आपको WPC का वर्क भी मिल जाता है।
एक बार फॉल सीलिंग देख लीजिए, जो काफी ही बढ़िया लुक में हम आपको बनाकर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दो फैंस लगे हुए मिल जाएंगे और बीच में आपको सैंडलर लगा हुआ मिलेगा, जो काफी ही बढ़िया लुक का रहने वाला है। प्रोफाइल लाइट और मूड लाइट का वर्क भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जहाँ पर आप अपना सोफा इंस्टॉल करेंगे, उसी के फ्रंट में मिलता है आपको टीवी पैनल। ये टीवी पैनल काफी ही बिग साइज का रहने वाला है। यहाँ पर आप अपना 65 to 75 inches तक का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउन एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में काफी ही बढ़िया लुक का रहने वाला है। नीचे की तरफ आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं और प्रोफाइल लाइट से हम इसको डेकोरेट करके दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारे कॉमन वॉशरूम की ओर। ये आ जाते हैं हमारा कॉमन वॉशरूम, जो 6 feet by 6 feet का रहने वाला है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, काफी है हमारा स्पेशियस रहेगा। तो अब तक आपको टाइल का वर्क मिल जाता है, जितनी भी सैनिटरीज लगेंगी सब ब्रांडेड ही लगा कर देंगे। हाइलाइटर के तौर पर हमने ब्लैक कलर की टाइल का भी वर्क किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। पहले देख लेते हैं फॉल सीलिंग, जो काफी ही बढ़िया लुक में हम आपको बनाकर दे रहे हैं। इसका साइज की बात करूं तो 10 फीट बाई 10 फीट का ये हमारा बेडरूम रहने वाला है। किंग साइज का बेड इंस्टॉल करेंगे तो बेड के लेफ्ट, राइट और फ्रंट साइड में आपका काफी स्पेस बच जाएगा। फ्लोरिंग में आपको एंटी स्क्रैच प्रूफ टाइल का वर्क मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाती है विंडो और विंडो एसी का प्रोविजन। स्टोरेज के लिए हम आपको यहाँ पर वार्डरोब भी बनाकर दे रहे हैं। डिजाइनर वॉलपेपर आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए यहीं से एक्सेस करते हैं हमारी बैक बालकनी को। ये आ जाती है हमारी बैक साइड की बालकनी, जो टॉप तक आपको टाइल कवर करके दे रहे हैं। इसका साइज 7 feet by 3 feet का रहने वाला है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पर टॉप तक रेलिंग लगा कर दे रहे हैं और आपको यहाँ पर टैप भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ पर इंस्टॉल कर सके। ये हमारा वॉशिंग एरिया रहने वाला है। इस फ्लैट में आपको दो बालकनी मिल जाती हैं, एक फ्रंट में और एक बैक में। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारे सेकेंड बेडरूम की ओर। ये आ जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम। इसका साइज 10 फीट बाय 11 फीट का रहने वाला है। ये हमारा बिग साइज का बेडरूम रहेगा। किंग साइज का बेड इंस्टॉल करेंगे तो बेड के लेफ्ट, राइट और फ्रंट साइड में आपका काफी स्पेस बच जाएगा। हम आपको यहाँ पर स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी करके दे रहे हैं। वॉल सीलिंग में आपको डिजाइन बना हुआ मिल जाएगा। वॉलपेपर आपको यहाँ पर प्रिंटेड वाला लगाकर दे रहे हैं, जिससे इस बेडरूम की ब्यूटी और भी ज्यादा इनहेंस हो रही है। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारे किचन की ओर। किचन में एंट्री करने से पहले देख लेते हैं हमारा डाइनिंग का स्पेस। यहाँ पर आप अपना 4 seater तक का डाइनिंग टेबल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। किचन में जाने से पहले देख लेते हैं हमारा मंदिर का स्पेस। ये हमारी एक लॉबी रहने वाली है, जहाँ पर हम आपको मंदिर का स्पेस भी बनाकर दे रहे हैं। यहाँ पर आप अपने भगवान की स्थापना कर सकते हैं। ब्राउन एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में काफी बढ़िया लुक का रहने वाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं और लेफ्ट और राइट साइड में हम आपको सेल्फ भी बनाकर दे रहे हैं, ताकि आप अपना सामान यहाँ पर रख सकें। और ये आ जाते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर का स्पेस। यहाँ पर आप अपना डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आ जाती है हमारी किचन, जो कि मॉड्यूलर किचन है। इस किचन को हमने एल शेप में डिजाइन किया है। नीचे की तरफ आपको बकेट्स और ड्रॉर्स मिल जाते हैं, जो काफी ही बढ़िया क्वालिटी के रहने वाले हैं। स्लैब आपको मार्बल का मिल जाता है, जो कि ग्रेनाइट मार्बल है। वॉल पर हमने ग्रे कलर की टाइल का वर्क किया है, ताकि आपकी किचन हमेशा साफ सुथरी बनी रहे। वेंटिलेशन के लिए आपको सामने की तरफ मिल जाती है विंडो, जहां पर प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिलता रहेगा। और ये आ जाती है हमारी नॉइस प्रूफ सिंक। जितनी भी सैनिटरीज लगेंगी सब ब्रांडेड ही लगेंगी। किचन में आपको टॉप तक टाइल का वर्क मिल जाता है। फॉल सीलिंग में आपको मूड लाइट का वर्क भी मिल जाता है। इस साइड आ जाते हैं हमारे कैबिनेट्स।
ताकि आप अपना सामान यहाँ पर रख सके और स्टोरेज की कमी बिल्कुल भी ना हो। हम आपको यहाँ पर चिमनी भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हम आपको यहाँ पर पेंट्री भी बना कर दे रहे हैं, तो स्टोरेज की कमी आपको किचन में बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा हमारे थर्ड बेडरूम में, जो कि मास्टर बेडरूम है। ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। इसका साइज भी 11 फीट बाय 10 फीट का रहने वाला है। किंग साइज का बेड इंस्टॉल करेंगे तो बेड के लेफ्ट राइट और फ्रंट साइड में आपका काफी स्पेस बच जाता है। बेड के राइट साइड में हम आपको वार्डरोब बनाकर दे रहे हैं, जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं। बेड के हेड पर भी आपको वार्डरोब मिल जाता है। फॉल सीलिंग काफी बढ़िया लुक की रहने वाली है। अगेन आपको यहाँ पर मूनलाइट और कॉपलाइट का वर्क मिल जाता है। बीच में आपको एक फैन लगाकर मिलेगा। बेड के फ्रंट में ही मिल जाता है आपको टीवी पैनल। यहाँ पर आप अपना 55 इंच का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रे कलर एंड ब्राउन कलर में ये काफी ही बढ़िया लुक का रहने वाला है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाती है विंडो, जहाँ पर आप अपना विंडो एसी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यह हमारा मास्टर बेडरूम है, तो आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। 6 फीट बाई 4 फीट का ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है। टॉप तक आपको टाइल का वर्क मिल जाता है। अगेन जितनी भी सैनिटरीज लगेंगी सब ब्रांडेड ही लगा कर देंगे। वॉशरूम में वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर भी विंडो मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारी बालकनी की ओर। ये हमारी बालकनी फ्रंट साइड की रहने वाली है। तो ये आ जाती है हमारी बालकनी। ये भी काफी लॉन्ग और स्पेशियस रहने वाली है। ग्रे एंड ब्लैक कलर की टाइल का वर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्लोरिंग में आपको एसीपी शीट का वर्क मिल जाता है। फ्रंट बालकनी में भी हम आपको टैप का प्रोविजन करके दे रहे हैं, ताकि आप अब यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्लैट की विजिट होती है ख़त्म। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको वीडियो में ही लेआउट समझाने की, बट आप इसकी फिजिकली विजिट जरूर बुक करें। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी विजिट बुक करा सकते हैं। ये एक बहुत ही लोएस्ट प्राइस में ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। इसमें सिर्फ अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी की यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो ये मौका आपके हाथों से ना निकल जाए, तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। होम एंड लोन लिंकर्स आपको हर बजट की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको तिलक नगर, जेल रोड, फतेह नगर, विकासपुरी या फिर उत्तम नगर द्वारका मोड़, नवादा की तरफ आपको प्रॉपर्टीज चाहिए, तो हमें जरूर कॉल करें। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्ते।